अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं लेके आया हूँ चाट मसाला। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देगी लाल मिर्च लिया है, यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमारे पास काला नमक है, यहाँ पे आमचूर पाउडर है 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून, और थोड़ी सी टाटरिक है 1 टी स्पून, और यहाँ पे 1 कटोरी ली है मैंने साबुत धनिया, यहाँ पे 1 कटोरी ली है साबुत ज़ीरा, यहाँ पे 10 से 12 हमारे पास गोल लाल मिर्चें हैं, और ये घर का सॉल्ट है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वही वाला है। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया, इसको बिल्कुल गर्म नहीं करना है, स्लो फ्लेम पे ही इसको रखना है और स्लो फ्लेम पे ही इसको रोस्ट करना है। अच्छी तरीके से रोस्ट कीजिएगा। हम इसलिए अलग अलग चीज़ों को रोस्ट कर रहे हैं ताकि सब चीज़ों को अलग अलग टाइम लगता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो हमें सेम कलर लाना है इसलिए हम अलग अलग ही रोस्ट करेंगे। और इसको ठंडा करके फिर हम इसको पीसेंगे, बहुत अच्छा इसका ज़ायका आता है। देखिए अब किस कलर में ये आ गया है, लाइट ब्राउन कलर में आ गया है। अब इसी तरीके से हम इसको रोस्ट करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही इसको चलाना है। बहुत अच्छा ये बन जाता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा ही जायका इसका लगता है। अब देखिए किस तरीके से ये फॉर्म में आ गया, बस अब ये हमारा रेडी हो गया। अब चलते हैं हमारे ज़ीरे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा भी इसी तरीके से रोस्ट किया है, मगर ज़ीरा जल्दी हो जाता है इसीलिए मैंने सब चीज़ों को अलग अलग रोस्ट करना है। अब इसको भी इसी तरह के से लाइट स्लो फ्लेम पे ही हम इसको रोस्ट करेंगे। अब ये ज़ीरा भी तकरीबन हमारा रेडी है। अब हम इसको भी अलग बर्तन में डाल लेंगे क्योंकि इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारी ये मिर्चों की तरफ। मगर मिर्चों में ये है कि इसको हमें रोस्ट करने से पता कब चलता है, जब ये मिर्चें जो है ना थोड़ी सी फूल जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये मिर्चें रोस्ट हो गई हैं और इसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश पे आ जाता है। इसी फॉर्म में इसको ला के अब सब चीज़ों को ठंडा करके अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसको ब्लेंड करने जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कीजिएगा। अब आपको बताती हूँ देखिए किस तरीके से इसको किस फॉर्म में लाना है। इसको अभी ज़्यादा नहीं पीसना है क्योंकि आगे चल के भी हमें फिर से इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया। अब इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट जैसे कि आमचूर है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, काला नमक है वो भी हम इसी तरीके से ऐड कर देंगे। आप घबराइए नहीं, ये जो आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं वो भी हम इसको दोबारा हम ब्लेंड करेंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका फॉर्म लेके आएंगे। अब यहाँ पे ये लाल मिर्च है, देगी लाल मिर्च, इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी करना है। ये भी इस तरीके से मिक्स होगी। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ टार्ट्रिक और घर का सॉल्ट, ये दोनों भी इसी तरीके से मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। खटाई भी आप ज़्यादा कर सकते हैं मगर ये बिल्कुल बैलेंस है, तो इससे क्या होता है कि हर इंसान खा सकता है। अब यहाँ पे ये घर का सॉल्ट मैंने आपको बताया था वो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये हमारा आधा तकरीबन मसाला तैयार है। अब चलते हैं इसके जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर। अब ऊपर से हम डाल रहे हैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। यह देखें किस किस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून अजवाइन और 4 से 5 लौंग मैंने लिए हैं। अब इन दोनों को हम साथ ही रोस्ट करेंगे, बस इतना कि हल्का सी इसकी खुशबू आने लगे, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ खुशबू के लिए। और फिर इसको हम इसी बर्तन में निकाल लेंगे और इस तरीके से पहले हम इसको पीसेंगे, ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा ये दरदरा होगा, कोई मसला नहीं। बाकी जो मसाला था जिसमें कुछ नमक की गुठलियाँ नज़र आ रही थी उसको दोबारा हम पीसेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उसका मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।